नमस्कार, अभिवादन। आज की रेमेडियल क्लास में सेकेंडरी फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पर आज का मेरा टॉपिक है, जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोष, नेत्र दोष की आज मैं बात कर रहा हूं। तो पहले नेत्र के बारे में अगर थोड़ा आपने जाना है हाई स्कूल में, तो नेत्र में आपने देखा होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। किसी भी वस्तु से आने वाली किरणें सबसे पहले नेत्र के कॉर्निया पर गिरती हैं। ये कॉर्निया होता है, ऊपरा जो भाग है ये, और कॉर्निया पर वो बात गिरती हैं जो प्रकाश है, जो परावर्तित होकर आया किसी भी वस्तु से परावर्तित प्रकाश, और कॉर्निया पर आपतित होने के बाद कॉर्निया से अपवर्तित होती हैं, और अपवर्तित होकर जो ये नेत्र लेंस, जलीय द्रव, जो काचाव द्रव, इन सबसे होती भी रेटिना पर पहुँचती हैं। ये लास्ट वाला पोर्शन रेटिना होगा, और रेटिना पर पहुंचने के बाद वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, है ना। और प्रतिबिंब की जो सूचना है वो प्रकाश सिराओं द्वारा, जो प्रकाश सिराएं हैं, इन प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक इमेज हमारे रेटिना पर बनती है जो वास्तविक होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि एक हमारे नेत्र में ऊपर वाले का, मेरे ख्याल से गॉड गिफ्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, ईश्वर कृपा। और ईश्वर कृपा की बात मैं ये कह रहा हूँ, नेत्र में बहुत अद्भुत क्षमताएं हैं। अब आप देखें, नेत्र के जो प्रत्येक लेंस की एक फोकस दूरी होती है, तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो कमाल की है। अभी देखो, मैं पास में देख रहा हूँ पेन को, तो फोकस दूरी कम हो गई, अभी दूर देखूंगा तो ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा दूर देर देखूंगा तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर बहुत दूर से कहीं से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये नेत्र लेंस पर गिरती हैं जब ये प्रकाश किरणें, ये रेटिना है, तो होगा क्या, देखो ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं और ये प्रतिबिंब सीधी रेटिना पर बनाती हैं, है ना। तो इस प्रकार एक इमेज बनी रेटिना पर दूर से आने वाली वस्तु से, जो दूर रखी वस्तु है उससे प्रकाश आया और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, और ये फोकस दूरी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ठीक, अब ऐसा होगा कि अगर कोई वस्तु निकट रखी है, अब आप देखिए लेंस है, रेटिना, और ये वस्तु पास रखी है और उससे प्रकाश किरणें आई और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। चाहे प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, चाहे प्रकाश किरणें पास से आती हैं, पर यह लेंस की अद्भुत क्षमता है, एक ऐसी समंजन क्षमता, एक ऐसी ऑटोमेटिक पावर है कि जो लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर देता है। क्लियर, समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस नेत्र में अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है, जो नेत्र लेंस है वो मांसपेशियों के बीच ही टिका रहता है, और मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं। बात समझ में आ गई ना, कि मांसपेशियों में खिंचाव चढ़ाव, इन सब के कारण ही एक नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो ज़्यादा या कम ज़्यादा हो जाती है, और उसके एडजस्ट करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र लेंस पर कम या अधिक दबाव डालकर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, या नेत्र लेंस की वक्रता, या कहोगे लेंस लेंस की फोकस दूरी को बदला जा सकता है। चलिए, जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जब शिथिल हो जाती मांसपेशियां, तब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, और जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपको याद होगा पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, तो ये होता है। और जब हम दूर की वस्तुओं को देखने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कम हो जाती है, और हम पास की वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। क्लियर, क्लियर। बात यह है यहाँ पर सीधी सी, कि देखो आपने देखा होगा जब आप अंधेरे में देखते हैं ना पास की वस्तुएं, तो बड़ी आंखें चुंधिया, अगर रोशनी तेज पड़ती है तो अपनी आंखें चुंधिया जाती हैं, जब हम अंधेरे में देखते हैं तो अपनी आंखों को चौड़ा करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब मांसपेशियां हैं वो कभी शिथिल हो जाती हैं, और कभी क्या है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, और अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और कभी मोटा हो जाता है। अभिनेत्र लेंस जब पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने का मतलब है हम पास की वस्तु आसानी से देखेंगे, और फोकस दूरी बढ़ने का मतलब है हम दूर की वस्तुएं आसानी से देखेंगे। नेत्र लेंस का निकट बिंदु व दूर बिंदु, कभी कभी जब हम बच्चे होते हैं, तो जब आप जैसे आपकी उम्र में हैं, तो आपके पास किताब लाते हैं, कोई बच्चा उठाता है, कहता लो अब पढ़ो, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब वो जो शब्द हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है, एक नेत्र लेंस के लिए
न्यूनतम दूरी होती है जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। हम पढ़ सकते हैं परंतु सिर में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही, एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करना पड़ेगा। तो उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिस दूरी को बिना किसी तनाव के सहजता के साथ हम पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सामान्य दृष्टि वाले किसी भी वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पूरी लाइट में हम इसे कैपिटल डी से व्यक्त करेंगे और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक दूर बिंदु भी तय होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होती है और जो दूर अंतिम दूरी है वो अनंत होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है उसके नेत्र में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो 25 सेमी से अनंत के बीच कुछ भी देख सकता है। यानी कि कितना बड़ा ईश्वर का वरदान है कि हमारी आंखों में इतनी समंजन क्षमता है, इतनी एडजस्ट करने की क्षमता है कि हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो चेंज होती रहती है। निकट वस्तुओं देखेंगे तो कम फोकस दूरी का प्रयोग, ज़्यादा दूर देखेंगे तो और ज़्यादा दूर देखेंगे तो और ज़्यादा, और नेत्र लेंस की मोटाई भी कम और ज़्यादा होती रहती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए समंजन क्षमता कितनी होगी। देखो, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच का फॉर्मूला आपको पहले क्लास में हो चुका है, वो फॉर्मूला है पी बराबर 100/f। सामान्य नेत्र के लिए जो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, तो पी बराबर 4 डायोप्टर स्वस्थ मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है। मोतियाबिंद, एक नाम सुना होगा आपने, तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से देख भी नहीं पाते, दृष्टि क्षय हो जाती है। इस दोष को मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। अब बात करूंगा आज के दो मुख्य दोषों की, एक निकट दृष्टि दोष की और एक दूर दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, देखिए नाम पे ना जाइए, निकट दृष्टि दोष का जिस व्यक्ति के आंख में होगा वो निकट की वस्तुओं को तो आराम से देख पाता है, किंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से, सहज रूप से नहीं देख पाता है। यह नहीं है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये कभी नहीं है कि निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता। निकट की वस्तुएं तो देख पाता है, किंतु दूर की वस्तुओं को देखने में सहजता नहीं होती है या नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, बल्कि रेटिना से पहले बन जाता है। अब आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे, यह एक स्वस्थ नेत्र है, इस पर मैंने प्रकाश किरणें डाली और वो प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं, ये आप जानते हैं। ये प्रकाश किरणें आई, नेत्र लेंस पर गिरी और ये नेत्र लेंस पर गिरने के बाद रेटिना पर इसने प्रतिबिंब बना लिया। वो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक है ना, और उल्टा, ठीक। अब होगा क्या, अगर किसी व्यक्ति की आंखों में नेत्र दृष्टि दोष है तो इसका नेत्र लेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि प्रकाश किरणें जब गिरती हैं तो वो प्रकाश किरणें रेटिना तक नहीं पहुंचती, और बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ना, रेटिना से पहले ही फोकस हो गई, ठीक। अब रेटिना पर पहले ही फोकस हो गई तो करना क्या होगा, हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि यह प्रकाश किरणें फैल जाएं और यह फैलने के बाद रेटिना तक आ जाएं। यानी हमें कोई ना कोई इंतजाम ऐसा करना है कि यह प्रकाश किरणें यहाँ पहुँच जाएँ, लास्ट में रेटिना तक पहुँच जाएँ, यही तो करना होगा, और यहाँ प्रतिबिंब बने। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो प्रकाश किरणों को फैला देगा। आइए, वो कौन सा लेंस है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, आपको याद है? वो कौन सा लेंस है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का कार्य कॉनकेव लेंस। मैंने बताया था कि अवतल लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को फैलाना है, तो ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देता है। देखो, सीधी नहीं आ रही प्रकाश किरणें, ये थोड़ा सा इसने डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। अब यह प्रकाश किरणें क्या होती है, रेटिना पर फोकस होती हैं। यह है अवतल लेंस और यह है निकट दृष्टि दोष का निवारण। यानी निकट दृष्टि दोष में हम प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। क्लियर? अब आप देखेंगे इसमें होगा क्या, इसे याद करने का एक तरीका मैं बताता हूं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, दूर बैठा उल्लू निकट आ,
दूर बैठा उल्लू निकट आ, दूर बैठा उल्लू निकट आ, निकट से निकट दृष्टि दोष, निकट से निकट दृष्टि दोष और आ से अवतल लेंस, तो निकट आ, क्लियर। अभी दूर दृष्टि दोष में दूर पढ़ाऊंगा आपको, दूर दृष्टि दोष ऊ से उत्तल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। इसको मैं आगे भी रिपीट करूंगा, यानी कि निकट दृष्टि लेंस की कारण क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हुआ, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब आप इसमें एक बात पे फोकस कीजिएगा, मैंने बोला था निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम, वक्ता त्रिज्या भी कम, वक्ता त्रिज्या भी कम और वक्रता ज़्यादा हो जाती है, कर्वेचर बढ़ जाता है। ये वक्रता और वक्ता त्रिज्या दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं, इसमें चक्कर मत खा जाना, है ना। होगा क्या इसमें, होगा इसमें ये कि नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या का, वक्ता का बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाने का मतलब होता है वक्ता त्रिज्या का कम होना, और वक्ता त्रिज्या का कम होना, फोकस दूरी का कम होना, और फोकस दूरी के कम होने की वजह से जो वस्तुएं हैं, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना या नेत्र लेंस का और कार्निया के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूरी बढ़ गई ना तभी तो पहले फोकस हो गई, तो ये सब निकट दृष्टि दोष के कारण हैं। निवारण मैंने आपको बता ही दिया कि निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो हमें अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है तब अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, अवतल लेंस किरणों को अपसारित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका दोष है, ये एक पिक्चर आप बनाना जरूर कि जब वो अवतल लेंस रखेंगे तो प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, रेटिना पर जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो किरणें पहले फोकस हो जाती हैं, और ये पहले फोकस हो जाना ही ये निकट दृष्टि दोष है। आइए एक और नए दोष की बात करता हूँ, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, और दूरदृष्टि दोष में भी वही है सेम, क्या कि दूर की वस्तुएँ तो देख पाता है, निकट की वस्तुएँ नहीं देख पाता, ये उल्टे दोष हैं, नाम पे ना जाइए। दूर दृष्टि दोष का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नेत्रों में परेशानी क्या है कि वो दूर की वस्तुएं तो सहजता से सरलता से देख पाता है बिना किसी तनाव के, किंतु निकट की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। ऐसा दोष युक्त व्यक्ति निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। दूर दृष्टि दोष से नेत्र में किसी समीप रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के पीछे बनता है, इसी वजह से दूर आया कि प्रतिबिंब दूर बनने लगता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बनने लगता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को यह समझिए कि निकट की वस्तुएं देख पाता है, प्रतिबिंब निकट बनने लगता है, है ना। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं देखता है, प्रतिबिंब दूर बनने लगता है। अब आप देखें, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखो ये वास्तव में एक स्वस्थ नेत्र है, जब इस स्वस्थ नेत्र पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो यह स्वस्थ नेत्र की, नेत्र लेंस की खूबी होती है कि स्वस्थ नेत्र उनके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, है ना। किंतु इस नेत्र में क्या हुआ, रेटिना पर नहीं बना प्रतिबिंब, बल्कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना, यहाँ जाकर जाना था यहाँ, चला गया यहाँ। तो इससे क्या होगा, हमें ऐसे लेंस का यूज करना होगा, कैसे लेंस का, जो इन प्रकाश किरणों को रेटिना तक सिमटा दे, यानी प्रकाश किरणों को कुछ थोड़ा सा सिकोड़ दे। अब आप देखें मैंने क्या कहा इसमें, दूरदृष्टि दोष के कारण वही उल्टे उल्टे, जो नेत्र लेंस की वक्रता का कम होना, फोकस दूरी का अधिक हो जाना, जब फोकस दूरी अधिक हो गई तभी तो प्रतिबिंब दूर बनने लगा, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना या नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। अब आप देखें, दूरदृष्टि दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके बनाया जा सकता है। एक मिनट में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, दूरदृष्टि दोष का जो निवारण है वो उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है तब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है और वो प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। जैसे एक आप देखिएगा ध्यान से, यह स्वस्थ नेत्र है, इस स्वस्थ नेत्र पर जब हम प्रकाश किरणें डालते हैं, ये प्रकाश किरणें डाली
तो ये प्रकाश किरणें रेटिना पर तो जा नहीं रही थी, बल्कि रेटिना से दूर जा रही थी। तो हमने इनके बीच में एक उत्तल लेंस रख दिया। जब हमने बीच में उत्तल लेंस रख दिया, उत्तल लेंस का कार्य क्या है? उत्तल लेंस का कार्य है प्रकाश किरणों को सिकोड़ देना, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा मोड़ देना अक्ष की तरफ। तो ये प्रकाश किरणों को इसने मोड़ा और इस प्रकार मोड़ा कि रेटिना पर चली गई। यानी लेंस की फोकस दूरी हमारे हाथ में है और लेंस को इस प्रकार हम एडजस्ट करते हैं कि रेटिना पर फिर से प्रतिबिंब बनने लगे। अब इसका पूरा सेंटेंस जो मैंने लिखा था, उसका पूरा वक्त आ गया। दूर बैठा उल्लू, दूर बैठा उल्लू का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष में उसे उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और निकट आ, निकट आ का मतलब है निकट दृष्टि दोष में आ अवतल लेंस का यूज हम करेंगे, तो हम भूलेंगे नहीं कभी कि कौन से दोष में कौन सा हमें लेंस प्रयोग करना है। एक है जरा दूरदृष्टिता दोष। आयु जब बढ़ती है तो आयु में वृद्धि के होने पर नेत्र की मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण जब मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं तो मांसपेशियों के कारण ही तो एडजस्ट होती हैं फोकस दूरी। अभी इतनी दूर यहाँ देखा तो फोकस दूरी कम हो गई, दूर देखा तो और बढ़ गई, और दूर देखा तो और ज़्यादा हो गई, आसमान की तरफ देखा तो और फोकस दूरी बढ़ गई। पर जब मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो जो एडजस्ट करने की क्षमता है, जो नेत्र की समंजन क्षमता है, वो घट जाती है। और नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न होने वाले दोष को जरा दूरदृष्टिता के नाम से जाना जाता है। यह दोष मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने व क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पर्दे की जांच को भी डॉक्टर लिखता है चश्मे के साथ कि आपको पर्दे की जांच करानी होगी, यानी आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं, आपने देखा होगा। अब जो बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, अब आप बताइए पढ़ते में समस्या है यानी निकट को नहीं देख पा रहा है, दूर को देख पा रहा है, तो वो कौन सा दोष है, वो कौन सा दोष है? और जो दूर को नहीं देख पा रहा, व्हीकल चला रहे हैं, पढ़ तो पास आराम से लेते हैं, दूर नहीं देख पाते हैं, तो वो दोष अलग है। तो कभी कभी दोनों दोष इस प्रकार के होते हैं और इस प्रकार के लेंस में हम द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंसों में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का उपयोग करते हैं। तो आपने किसी किसी का चश्मा भी देखा होगा, उसमें नीचे साइड में कुछ अलग मिरर होता है और ऊपर का अलग लेंस होता है। वो अविद्युक्ता किसे कहते हैं? एक दोष और है लास्ट में, नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। देखो एक बात होता है, कोई वस्तु है वो क्षैतिज भी उसमें रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर भी होती हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति देख रहा है क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ फोकस रेटिना पर नहीं होती हैं, तो उसे अविद्युक्ता के दोष के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया की आकृति गोलाकार नहीं रहती है, जो कॉर्निया की आकृति गोलाकार है, इस दोष में कॉर्निया की आकृति गोलाकार नहीं होती है और यह दोष निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के साथ होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए कम्पटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? हम सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। जब आप अपने आप टेस्ट कराते हैं तो आता भी है कि आपका नंबर सिलिंड्रिकल आ गया। तो सिलिंड्रिकल का मतलब क्या है कि आपकी आंख में क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं हो रही हैं। तो आज हमने बात की निकट दृष्टि दोष की, दूरदृष्टि दोष की, अविद्युक्ता की, मोतियाबिंद की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।